तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद देव जी श्री गिरिराज महाराज श्री श्री राधा गोविंद देव जी और श्री राधा प्रीत विहारी जी की असीम कृपा से हमें आज ये सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान परम दयालु है, वैसे वेदांत सूत्र इस बात को हम लोगों को बतलाते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहला कदम आगे बढ़ाना किस तरफ बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए वेदांत सूत्र बतला रहे हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? है ना, क्या कह रहे हैं वहां पर? अब समय आ गया है ब्रह्म जिज्ञासा का। कौन सा समय आ गया? तो बोलते भगवान ने कृपा करके विवेक युक्त योनि को प्रदान किया है। ऐसा इस संसार के अंदर उस अनंत भगवान की अनंत सृष्टि के बीच में से जिन जिन स्वरूपों को जिन जिन योनियों को ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है, जिन जिन योनियों को ब्रह्मा जी देख पाए हैं, उन उन योनियों को इस जगत के अंदर उनका प्रतिरूप उन्होंने सृष्टि किया है और उसके अंदर जीव का संचार वो कौन किया? भगवान ने किया। जीव भूत महाबाहो या इदम धारयते जय,
84 लाख योनियों के अंदर उन योनियों को जागृत किया है, तो गोविंद ने कृपा करके अपने अंश दान करके किया। लेकिन उनमें से केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसा है जिसमें उन्होंने कृपा करके विवेक भी दिया है। जितने भी 80 लाख योनि हैं, उनको भोग योनि बनाया। जो 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य योनि हैं, उनको कर्म योनि बनाया। कर्म क्या होना चाहिए? कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। समझ में आता है? तो विषय गंभीर है। कर्म क्या होना चाहिए? हे नाथ, आपकी सेवा ही मेरा एकमात्र कर्म है। वो हमें समझ में आए, उसके लिए भगवान ने कृपा करके हमें विवेक का दान किया है। कुत्ते को नहीं पता चलता है कि उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए है। सुअर को नहीं पता चलता कि उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए है। और जो सुअर और कुत्ते की प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होता है, उसको भी नहीं समझ में आता है ऐसा, क्योंकि वो सुअर की तरह। सूरदास जी महाराज बोलते हैं, भरी भरी उदर विषयन को धायो जैसो सूकर ग्रामी। मेरे शब्द नहीं है, कोई भी शास्त्र के शब्द, गंभीरता से समझना हो। वो क्या कर रहा है? 5 प्रकार के विषयों का भोग करने के लिए सब समय तत्पर होके पड़ा हुआ है। और वो भी कैसे पड़ा है? बोलते जैसो सूकर ग्रामी, एक गांव का सुअर जैसे होता है, उसको केवल विष्ठा खाने में ही रुचि होता है। उसके आप उसको ले जाके सिंहासन में भी रख दो, अगर उसके सामने विष्ठा है तो कूद के जाएगा और उधर ही मुंह मारेगा। क्यों? पशु प्रवृत्ति है उसमें, मानव प्रवृत्ति ने। और ऐसे जो पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, भगवान क्या बोलते हैं गीता जी, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। वो नराधम है क्योंकि विवेक होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है। वो अविवेकी होकर वो क्या करता है? पशुवत जीवन को व्यतीत करता है। इंसान भगवान के सामने आके पशु जैसी हरकतें करना, मतलब क्या होगा? कोई समझ सकता है? वो आके बोले ले मूर्ति तो है, पंखे की क्या जरूरत है? लेकिन जो भक्त होगा वो क्या करेगा? प्रतिमान आई तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जिसने ब्रह्म की जिज्ञासा की है कि उसने ब्रह्म कौन है, मतलब भगवान कौन है, इस बात के बारे में जानने का प्रयास किया और उसके बाद जान गया जन्मादस्य। वेदांत सूत्र दूसरा है जिसमें बोले इस संसार का सृष्टि स्थिति लय आदि का जो मूल कारण है ऐसा। वेदांत सूत्र का विस्तार में हम जाएंगे, कई वैसे ही समझ में आएगा। मैं थोड़ा मोटा मोटा बोलने का कोशिश कर, जब पता चलेगा मेरा सृष्टि का, मेरे उद्गम का कारण यही है, तब समझ में आएगा कि मैं उनका हूं। तत्वमसि, मैं उनका, मैं उस नाथ, तो मुझे करना क्या है? अनावृत शब्दात उनका ही नाम का पुनरावृत्ति करना चाहिए।
उनका नाम का जाप करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। क्यों करूंगा उनका सेवा? क्योंकि मैं उनका हूं। जब मैं उनका हूं तो फिर इस बात को समझने पर नराधम वाली क्रियाओं को नहीं करूंगा, पुतला नहीं देखूंगा, उनको भगवान देखूंगा। ऐसा इसीलिए शास्त्र बताते ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा। भगवान के बारे में जानने का जो कोशिश करता है, वो भगवान का भजन करता है, तो उसके अंदर भगवान का सेवा का वृत्ति भी आता है। तब वो नहीं बोलेगा कभी ले पुतली तो है, मूर्ति तो है, हीटर की क्या जरूरत है। ऐसा अब देखो कई लोग होते हैं घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे है ना, या टीवी के अलमारियों के नीचे, वहां पर उनका मंदिर बना हुआ रहता है। धूल गिरता है, मिट्टी गिरता है, दुनिया भर का गंद गिरता है, क्योंकि उनके लिए भगवान जो है सिर्फ एक हिंदू होने के नाते, धार्मिक होने के नाते एक एक सूचक मात्र ही है उनका। उनके लिए भगवान का वहां अस्तित्व है नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं आत्मवत सेवा। हम अपने क्रियाक्रम में भी लोगों को बुलाकर लाखों खर्चा करके खिलाते पिलाते हैं, मालूम है? ऐसे भी लोग हैं, क्रियाक्रम में भी उनको 13वें दिन मांस खिलाने का नियम होता है। जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके नाम पे लोगों को मांस वगैरह खिलाते हैं, शराब वगैरह पिलाते हैं। ऐसे भी कुछ एक परिवार है, ऐसी कुछ एक समाज है, कम खर्चा होता है। लेकिन आश्चर्य होगा कि आदमी मर गया है, भजन छोड़ देंगे, भगवान का दर्शन छोड़ देंगे, भगवान का सेवा छोड़ देंगे, और कई एक कदम पराकाष्ठा, खुद तो कुछ करना नहीं। कोई व्यक्ति भगवान का सेवा करेगा उसमें भी उनको प्राण संकट होने लगता है। ले कोई तो है नहीं खाने वाला, इतनी चीजें बना के भोग लगाने की क्या जरूरत, दूध बिस्किट लगा दो, पैसा बचाओ। ऐसे ले बढ़िया सा जरी वाले कपड़े की क्या जरूरत, हल्का सा कपड़ा लेने से भी हो जाएगा। जरूरी है ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे पोशाक लेनी, करना क्या है। घर में भी बोलने वाले होते हैं, मंदिर में भी बोलने वाले होते हैं, बड़ी विकट प्राणी है। कारण क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा का अभाव है कि भगवान कौन है। ऐसा और कुछ कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रेरणा देने वाले। सब एक ही है जी, हाँ? क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या गणेश, क्या कृष्ण, सब एक ही। उसको बोला वो लोगों ने आके कि हम सब एक है। शास्त्र बोल, स्वयं भगवान गीता जी में बोल, कल मोक्षदा एकादशी है, वो 30 प्रसाद और तिथि है, लेकिन गीता जयंती भी है। वही भगवत गीता के अंदर भगवान खुद बोल, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रित। जो मूड व्यक्ति होते, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, जिसका बुद्धि भटक चुका है। क्यों भटक गया? क्योंकि काम का दास हो करके उसका बुद्धि भटक गया। उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अपना अहंकार इत्यादि इतना ज्यादा मुख्य रूप को ले लेते हैं, वो भूल जाता है कि मैं भगवान का विरोध कर रहा हूं। इस जगत में अवतीर्ण होने पर क्या बोल रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं पाता है, जबकि मैं कौन हूं, मम भूत महेश, मैं भगवान हूं बाबा। इस चीज को समझने का कोशिश, इसलिए शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा करो। अहम सर्वस्व प्रभु
सभी का प्रभु मैं ही हूं। और तो और आ ब्रह्म भुवनार्लोक पुनरावृत्ति नो अर्जुन, हे अर्जुन विरजा तक जितने भी ये जो लोग भूलोक भूलोक महालोक तपलोक सत्यलोक आदि ऊपर के अतल वितल सुतल तलातल आदि नीचे के जितने भी लोक हैं, ये जो 14 लोक ये सब ऐसे काल चक्र के अधीन हो करके खत्म होते हैं फिर बनते, खत्म होते हैं फिर बनते ऐसा। लेकिन मेरा जो स्थान है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता ऐसा। मैं ही परम ब्रह्म और मेरा ही परम धाम है, जिस धाम में जाने के बाद न निवर्तन्ते कोई वापस लौट के नहीं आता है, ऐसा धाम तब धाम, ऐसा श्रेष्ठतम धाम कौन सा? परमम। कौन ऐसी उद्घोषणा किया? लेकिन कई जो थे लोगों को भटकाने वाले सब एक ही है, उसको आगे वो लोग बोल के गया कि हम सब एक ही है। वो बोलने वाला व्यक्ति वो और सुनने वाला व्यक्ति एक नहीं है। तू भी इंसान है, तू भी इंसान है, और बोलने वाला सुनने वाला एक नहीं है, पैदा होने वाला पैदा करने वाला एक नहीं है, लेकिन भगवान और जितने भी अन्य देवगण सब एक ही है। तो मैं गणेश का भी नाम करो तो वो कृष्ण संबोधन हो रहा है, कृष्ण का नाम लो तो शनि संबोधन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ऐसे पथभ्रष्ट जो प्रचारक जो होते हैं वो लोगों को भटकाते रहते हैं, और क्योंकि अपने ही काम के दास होने के कारण आत्मेंद्रिय प्रीति ही जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य होने के कारण ऐसे समाज में रहने वाला व्यक्ति भगवान का विरोध करने लगता है, भगवत भक्तों का विरोध करने लगता है ऐसा। उससे बचना है, भयंकर प्राणी है भैया दुनिया में, बड़ा विचित्र प्राणी है। अच्छा बोलने जाओ तब भी उनका दिमाग खराब होता है, क्योंकि काम का दास ऐसा। हरिया मायार दास कोरी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेलो दूरे। काम के द्वारा उत्पन्न होने वाला मोह व्यक्ति को माया ग्रस्त कर देता है, माया का दास बना देता है। माया क्या है? जो नहीं है है लगता है, वास्तविकता में नहीं है लेकिन लगता है कि कुछ है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझना, नहीं है लेकिन लगता है कि कुछ है। वो मोहग्रस्त व्यक्ति माया का दास बन जाता है, और माया का दास जो होगा वो मोहग्रस्त है तो उसके अंदर एक तृष्णा एक पिपासा पैदा हो जाता है, मतलब प्यास, उसके अंदर प्यास पैदा हो जाता है। किस चीज का? अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग द्रव्यों का, पदार्थों का प्यास, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। और उससे नुकसान क्या है? तुम्हार स्मरण गेलो दूरे। और वो लोगों का जो भगवान को स्मरण करने की वृत्ति है वो दूर चला जाता है, वो भगवान को याद नहीं करना चाहते। वो कैसे पता चलता है? सब ठीक ठाक है तो दिखाते हैं कि हम धार्मिक हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ होता हुआ दिखलाई देता है तो सही हो रहा है गलत हो रहा है विवेचन किए बिना भगवान का भी प्रतिवाद विद्रोह करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं ऐसा। क्योंकि माया दास है इसीलिए वो कृष्ण विमुख है,
कृष्ण विमुख है तो केवल विमुख नहीं होता, अलग अलग वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण उसको कृष्ण विरोधी भी बना देता, और उसमें से मुख्य रूप से कनक कामिनी प्रतिष्ठा, मेरा नाम होना चाहिए, बाप रे बाप, मुझे पैसा चाहिए या मेरे शासन में रहना चाहिए, या स्त्री हो तो पुरुष चाहिए, पुरुष हो तो स्त्री चाहिए। इस तरह के जो व्यक्ति हुए, कनक कामिनी प्रतिष्ठा के गुलाम जो बने हुए थे माया दास, वो लोग भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा होता है ना आपकी भाषा में, जैसे उनको ना हर चीज में चौधर करना होता है, चौधर बोलते हैं चौधरी, हम तो चौधरी बोलते हैं, मतलब है कि फ्री का मैन थे ऐसा। और या तो मान लो ऐसी कुछ करते भी नहीं है, लेकिन उनका दिमाग भगवान की सेवा की तरफ जाता नहीं, इसलिए गीता में बोला नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपत्यन्ते नराधम, वो दुष्कृतिशाली व्यक्ति जितने भी हैं वो मेरे शरण में नहीं आएगा, उसके लिए मेरा सेवा मुख्य उद्देश्य होता ही नहीं, उसके लिए मेरी सेवा की प्राथमिकता नहीं है, उसके लिए केवल अपनी मान प्रतिष्ठा कनक कामिनी का ही प्राथमिकता रहता है। ऐसा आप देखो, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को बोला कि देखो इधर गौर नित्यानंद है छोटे से प्यारे से, तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोल दिया, हरिदास ठाकुर को बोल दिया कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, घर घर जाना, ठीक है, भिक्षा करके आना। बोले प्रभु क्या भिक्षा करके आए? बोलते हैं प्रति घरे घरे गिया मांगो यही भिक्षा, मांग के आना। बोलते क्या मांगना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का ही भजन करो, यही तुमने करना है। ठीक है, यही हम तुमसे चाहते हैं। और नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, वो जा जाके एक एक को बोल रहे हैं, अमार किनिया लहो भज गौर हरि, मेरे प्रभु की इच्छा है कि तुम गोविंद का भजन करो, तुम गोविंद का भजन करने के लिए अगर कोई मोल देना है तो मैं तुम्हारे आगे बिकने के लिए तैयार हूं, मुझे खरीद लो, तुम सिर्फ गोविंद का भजन करो। इतने दयालु होकर के श्रीमन नित्यानंद प्रभु, बलभद्र प्रभु भगवान की सेवा की व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं, और उनकी दयालुता कोई विचार नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता, इसीलिए बोलते हैं आनिया प्रेमेर वन्या भसाइलो अवनी, क्यों? निताई गुणमणि अमार, गुणों के आगार है। गुण क्या होते हैं? भगवान होते हैं, भगवान गुण होते हैं, अवगुण नहीं होते। ऐसे गुणों के मूर्तिमान स्वरूप गोविंद जिनके हृदय के धन होकर के बैठे हैं, ऐसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? आनिया प्रेमेर बन, मतलब बाढ़ लेकर के आए हैं, प्रेम का बाढ़, प्रेम का प्रवाह लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेम का प्रवाह लेकर के श्रीमद नित्यानंद प्रभु आए हैं। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि राधा कृष्ण के मिलित अनु है, उस श्रीमती राधिका का दिव्य प्रेम को आस्वादन करते हुए इस जगत में वितरण करने के लिए आए हैं। वही प्रेम को
जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने प्राप्त किया महाप्रभु के साथ, उसी का बाढ़ लेकर के आए, उसी का प्रवाह लेके आए। उल्टे सीधे गाने गाकर लोगों को नचाने वाले जो लोग होते हैं वो इस विशुद्ध प्रेम को क्या जाने, जिसको लिए, जिसके लिए कृष्ण शिव गणेश शनि काली साईं बाबा सावेक ऐसे गधे जो है क्या जानते हैं इस विशुद्ध भगवत प्रेम के बारे में, नहीं जानते। ऐसा वो बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह, उस माता की तरह है जो कहेगी जितने भी पुरुष हैं वो मेरे पति। ऐसा मुझे वेश्या शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मां बोल रहा। वो जो माता जो हर पुरुष को अपना पति मान लेती है उसी की तरह है। जो ये कह रहा है वो किसी की भी नहीं है, वो किसी की है। कोई आके कहता है कि तुम मेरी है, कोई नहीं कहेगा। उनके लिए केवल वो एक भोग का वस्तु है, उसके बाद वो टिश्यू पेपर की तरह, उसके लिए और उससे कोई और महत्व नहीं। जो अनन्य प्रेम रखता है, मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ती दृढ़ां, दृढ़ता के साथ अनन्य भक्ति से मेरा साधन करने वाला जो मेरा भक्त होता है वही मेरा प्रेम को अनुभव कर सकता है। हर कोई मेरे प्रेम को कहां अनुभव करेगा, और उसी अद्भुत दिव्य प्रेम की बाढ़ लेकर के श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए हैं। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा की वृत्ति है ही नहीं। हमारा मंगल का रास्ता है ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन वो कोई करेगा नहीं। इतना बीमार है संसार के इस अथा गहरे कुप पड़े हुए हैं, कुएं में पड़े हुए। समझ में आ रहा है? ये संसार के गहरे कुप में गिरा हुआ पड़ा है जीव, कहां से समझेगा उस प्रेम को। इसीलिए भगवान स्वयं कृपा करते हुए उस प्रेम का बाढ़ को लेकर के जगत में आए हैं, स्वयं भी देव अपने पार्षदों के द्वारा इस जगत को दिलाने। क्योंकि मान लो एक व्यक्ति के अंदर उसके प्रति जिज्ञासा नहीं है, आकर्षण नहीं। मान लो एक सिनेमा है, कोई आके बोलेगा कमाल का पिक्चर है यार, बड़ा जोर का, देखना चाहिए एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलेगा चल देख लेते हैं, है ना। कोई आके कहेगा बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, देख तो सही, गाने बड़े अच्छे हैं, बोले सुन तो लेते हैं एक बार क्या है। ऐसा रुचि ना भी हो उसके बारे में जब बोला जाता है, उसको वहां पर दिखलाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको देखने, उसको परखने, उसको पाने का इच्छा अंदर आ जाता है। और क्योंकि भगवत प्रेम जो है एक मूवी की तरह नहीं, वो जीव की स्वाभाविक वृत्ति है जो कि अनादिकाल से भगवान से विमुख होकर उसके स्मृति से अवझल हो गया, धुंधला हो चुका है। इसलिए भगवान कृपा करके तुम तो पूछोगे नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आता हूं, ऐसे बोल के अपने भक्त को लेके आगे आते हैं। उसी क्रम में ये अहंकारी, ये दुराचारी जो जीव है, जो कि कृष्ण विमुख जो जीव है, उन लोगों के अंदर जागृति लाने, उन लोगों का जीवन को सुधारने के लिए जब श्री चैतन्य देव स्वयं इस संकल्प को लेके नित्यानंद प्रभु को भेजा,
और नित्यानंद प्रभु पहुंच गए हैं दो लोगों के पास। सब सीधे साधे ठीक ठाक लोग हैं तो फिर गीता जी की वाणी को कौन दर्शाएगा। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, ऐसे जो नराधम व्यक्ति गिरा हुआ इंसान भगवान का शरण में जाएगा नहीं। लेकिन वो उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, वो भी दिखा रहे, दोनों चीज वहां पर दिखला रहे हैं। ये मटका देखने से हमको याद आ रहा है, ऐसा काफी बड़ा मटका रखा है यहाँ पर, कौन नित्यानंद बनेगा वो तो भगवान जाने। ऐसा समझ में आता है। अब नित्यानंद प्रभु वहां जाकर उसको बोल रहे, भाई तू अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे, भगवान तुम पर कृपा करने के लिए आए हैं, तुम कृष्ण नाम करो, कृष्ण प्रेम को ले लो, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करो। तुम कितने दिन इस संसार में जिंदा रहोगे तुम्हें ही नहीं पता, क्या लेके आए हो, गोविंद का शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा मंगल है। लेकिन इस संसार के नशा जिसके सिर पे चढ़ गया है ना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा का नशा जिसके सिर के ऊपर चढ़ गया, वो उतरेगा थोड़ा है। शराब की नशा तो रात को पीने से सुबह उतर जाता है, और जो पी पी के बैठा है उसको तो जितना भी पियो उसको चढ़ता भी नहीं है ना। देखो कितना खुश हो रहे, लगता है पूर्व अनुभव है। ऐसा वो उतरता ही नहीं, लेकिन उसका असर होता नहीं। लेकिन जो पतित व्यक्ति जिसके अंदर काम चढ़ गया, काम क्या है, आत्मेंद्रिय प्रीति, जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए होना चाहिए, मैं हूं जो हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ होना तो ठीक नहीं, वो काम है। और उसी काम जो है मुख्य रूप से कनक काम की प्रतिष्ठा तीन रूपों में दिखलाई पड़ता है, और इन तीनों में से भयंकर है प्रतिष्ठा, मुझे मानना होगा। मैं इधर बैठ के अगर मैं सोचूं कि आप लोगों को मुझे मानना होगा, वो भी गलत होगा। इसीलिए हमारे यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया गीता जी में, जो बोलना था मैंने, जो भी सही था, जो बोलना था मैंने तुमको बोल दिया, अब जो है क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हारा मर्जी है। मालूम है गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बात बोला, ये नहीं बोला कि यही करो। अर्जुन समझदार है ना, इसीलिए अर्जुन ने कहा नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयमच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम्। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा माया का दासत्व खंडित हो गया है, टूट गया, स्मृति शिष्य राधा गोविंद भगवान की स्मृति, मेरा स्मृति जागृत हो गया। कौन सा स्मृति है, कि मैं भगवान आपका सेवक हूं। इसीलिए बोलते हैं स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, संशय नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जो आपने जैसे मुझ पर कृपा किया है उसी के अनुरूप मैं चलूंगा। ऐसा भगवान भी नहीं बोलते तुमको यही करना है, तो भक्त क्यों बोले, प्रार्थना जरूर करेंगे, इसे करने से तुम्हारा मंगल होगा। नित्यानंद प्रभु भी जाके जगाए मदाए को बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करोगे तेरा फायदा होगा, लेकिन बुद्धि खराब है ना, वो क्योंकि काम का दास है, वो ऐसे ही शराब पीता था, वही आजकल ग्लास आ गया, बॉटल आ गई, सब कुछ आ गया, तब तो ऐसे मटके होते थे,
वो मटका उठा के उनके सिर पे मार दिया इसे करके। ऐसे लोग भी उठते हैं इसे भजन करने के लिए बोलो, सेवा करने के लिए बोलो, उनका प्राण संकट आता है, वो भी मटका नहीं है तो कुछ और सिलेंडर मार देगा, नहीं तो माइक मार देगा, कुछ भी मार देगा। एक को बोला कि कीर्तन है करताल बजाना, वो सीधा उठा के सामने वाले को तो कुछ बोल नहीं सकता था, करताल उठा के जमीन में इसे मार के भाग गया। ऐसे तो जो भी है भगवान क्रोधित हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके उनको भक्ति के मार्ग में लेकर के आज उनका जीवन सुधारा। ऐसा और क्या बोलते आना करिश पाप, दोबारा इस तरह के पाप कर्म में कभी नहीं जाना। हमारे गुरुदेव अक्सर बोलते थे कि भगवान और भगवान के भक्त ये आग की तरह, अगर हम हल्के में ले लेते तो वो आग जला के खाक कर देगा। ऐसा इसीलिए करना क्या है, बोलते हैं भगवान की आराधना करना है। कैसे करना है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है इसको जानकर, संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हो दूर, कि हे नाथ आपके साथ मेरा ये संबंध है, किसी का आपके साथ संबंध हो या ना हो मेरा आपके साथ ये संबंध है, इस कारण से मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। कैसी सेवा करूंगा, तुम्हार सेवाए दुख होए जग सही तो परम सुख। आपकी सेवा करते करते मुझे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न भी मिलता है और उस कारण से मुझे दुख भी अनुभव होता है, तब भी मैं उसको परम आनंद के साथ में वर्ण करते हुए सेवा करूंगा। सेव तो परम सुख, वो मेरे लिए परम सुख का कारण होगा। ऐसा ऐसी सेवा करने की बात, ऐसे भजन करने की बात हमारे शास्त्र हमारे आचार्य हम लोगों को बतला रहे हैं। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी, मतलब क्या है, कृष्ण से मेरा संबंध क्या है, मेरा रिश्ता क्या है। जिसको भगवान से रिश्ता का ज्ञान हो, जिसको भगवत कृपा का ज्ञान हो, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के प्रति, उनके सेवा के प्रति, उनकी आराधना के प्रति, उनके स्मरण के प्रति कभी भी विस्मृति का भाव अपने अंदर नहीं लाएगा, विद्रोह का भाव अन्यों के प्रति भी नहीं लाएगा। इसलिए अगर आप लोग स्वयं भजन नहीं करते तो भी गलत है। चलो सत्संग में तो चले गए लेकिन हरिनाम नहीं करेंगे, वो गलत है। और हरिनाम कर भी रहे मान लो या नहीं भी कर रहे, अन्य व्यक्ति जो सेवा में प्रस्तुत है तत्पर है, उनके सेवा में विघ्न देने पे भी वो भी गलत है। ऐसा है, खुद भजन ना करना जितना गलत है उससे कई गुना ज्यादा गलत है भजन करने वाले के मार्ग में अवरोध बन के खड़े रहे, उससे हमारा मंगल नहीं होगा। मुस्कुराने की बात नहीं है, हम इसलिए बहुत सीरियसली इस बात को बोल रहा है। ऐसा गंभीरता से इस विषय को समझ के भजन में अपने आप को लगाना है कि नाथ कुछ भी हो मेरा जिंदगी आज खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन मैं आपका विरोध ना करूं, आपके भक्तों का विरोध ना करूं, और निरंतर मरते दम इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले आपका नाम मेरे जीभा के ऊपर रहे, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। आज ये प्रार्थना की शिक्षा हम लोगों को अपने जीवन में लेना होगा, हर एक एवरीवन।
मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करके कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ इतना मुझ पर कृपा करे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, जन्म जन्म में आपकी सेवा को कर सकूं, और मेरे इच्छा के अनुसार नहीं आपके इच्छा के अनुसार आपको जिस सेवा पद्धति परिपाटी से प्रसन्नता हो उस तरीका से मैं आपका सेवा करूं, यही मेरा अभिलाष है, यही मेरा कामना है। वो आएगा तब जब हम उनसे अपने संबंध को बनाने का प्रयास करेंगे, और वो संबंध बनाने का प्रयास केवल मनुष्य कर सकता है, और वो मनुष्य भी कैसे कर सकता है, बोलते साधु संघ में रह के कर सकता है, भक्तों के संघ में रह के कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इसीलिए भक्तों के बीच में रहकर भगवान की आराधना निरंतर करते रहना, भगवान के साथ संबंध भी जागेगा, और उसके बाद भगवान का सेवा का परिपाटी भी समझ में आएगा, सेवा करते करते प्राप्त होने वाली उपलब्धियां वो भी हमारे जीवन में आएगा। समय बहुत हो गया है, यही पे इसका विश्राम। वंशा कल्पतरु भ्यश्च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमेशा हरिनाम करते रहना, जितना हो सके उतना हरिनाम करना, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना, और ठाकुर जी की सेवा करना। ठाकुर जी एक वस्तु है, एक तत्व है ठाकुर जी, है ना। भगवान के अंदर राजनीतियां नहीं होते, चाहे राधा कृष्ण के कोई भी रूप हो, सब एक है, उनके अलग अलग नाम है ना, सब एक वस्तु। इस कारण से प्रीति के साथ उनकी सेवा करना, और उनके इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर अपने जीवन को चलाना, इसी से हम सबका मंगल होगा। हरे कृष्ण। खड़े हो जाओ, इसको तो करो।